Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्विज क्लास 31 के बारे में. सो आज का जो हमारा क्वेश्चंस होगा वो होगा 9 अक्टूबर 2020 के जो सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर बेस पर. तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. सो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, Who among the following is not a postmodern thinker? इनमें से कौन है जो एक postmodern thinker नहीं है? Okay, Lyotard, Michel Foucault, Richard Rorty या Herbert Marcuse. So postmodern thinker नहीं है. So Lyotard, Richard Rorty या Foucault सारे postmodern thinker है, लेकिन Herbert Marcuse है neo-Marxist thinker. So option B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट ऑन. सो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बिल है 2019 का, ये पास हुआ था इंडियन पार्लियामेंट में कब? 13 जुलाई 2019 को, 25 जुलाई 2019 को, 6 अगस्त 2019 को या 9 अगस्त 2019 को. सो करेक्ट आंसर जो है वो है 6 अगस्त 2019 को. तो ये एक याद रखने वाला मतलब इंपॉर्टेंट जो एक्ट होगा उसका डेट आपको याद रखना होगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द इंडियन पॉलिटी एज बीइंग स्टेबल नॉट इन द सेंस ऑफ ए स्टेशनरी अनरिप्रेजेंटेटिव स्टेट बट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटेड मूवमेंट. सो इनमें से किसने कैरेक्टराइज किया था जो इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटी को एज स्टेबल, वो स्टेबल है मतलब स्थिर है, बट नॉट इन द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिव स्टेट की तरफ से नहीं, बट इन द टर्म्स ऑफ रेगुलेटेड मूवमेंट को कंट्रोल करने की तरफ से उन्होंने कहा था एक स्टेबल स्टेट. माइनर विनर ने, डब्ल्यू एच मॉरिस जोन्स ने या जेम्स माइनर ने या अतुल कोहली ने. सो करेक्ट आंसर होगा मॉरिस जोन्स. सो मॉरिस जोन्स ने कहा था ये एक स्टेबल पॉलिटी है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी इन्वॉल्व, जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल अथॉरिटी का वो इन्वॉल्व करता है क्या? देखते हैं. यूज ऑफ अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ देयर इनहेरिटेड स्टेटस बाय पर्सन, जो उनका जो चले आ रहा है उसके उसके वर्च्यू की वजह से हम उस अथॉरिटी को मान रहे हैं. नेक्स्ट, द एक्सरसाइज ऑफ पावर सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन की वजह से हम मान रहे हैं. या ऑप्शन सी, द यूज ऑफ पावर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैजिकल क्वालिटीज की वजह से हम ट्रेडिशनल में मान. ऑप्शन डी, द यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी एज पर इनहेरिटेड स्टेटस एज वेल एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ एडवांस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो द यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी जो हम उसको यूज करते हैं एज पर इनहेरिटेड स्टेटस एज वेल एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कंट्रीब्यूशन है मतलब हिस्ट्री में और एडवांस बिजनेस में, इसलिए हम मानते हैं उसके मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन की वजह से. तो यहाँ पर जो है उस वर्च्यू की वजह से उनके अंदर जो है उसके लिए हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी को मानते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड द मार्केट हैड ड्रॉन अ फिनिशिंग लाइन इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. हु मेड दिस स्टेटमेंट, किसने कहा था कि ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है, जो मार्केट, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन हैड ड्रॉन अ फिनिशिंग लाइन, एक फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया है इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट में, किसने कहा था? सैमुअल पी हंटिंगटन ने, बेंजामिन बारमे ने, फ्रांसिस फुकुआमा में या अलेक्जेंडर पे. फिनिशिंग लाइन ऑफ द हिस्ट्री, सो फिनिशिंग लाइन ऑफ द कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एंड ऑफ हिस्ट्री. सो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था फ्रांसिस फुकुआमा में. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सो ये इजी क्वेश्चन है, आपको मतलब थोड़े थोड़े समझ कर आंसर करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नर्ड कम इन टू एग्जिस्टेंस में. ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये चेस्टर बर्नर्ड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नर्ड कब आया? देयर आर पर्सन्स हु आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट एक्शंस, जब मतलब तब आया जब पर्सन्स कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनका एक्शंस. नेक्स्ट, देयर आर पर्सन विद डिफरेंट गोल्स एंड पर्पसेस, उनका जो डिफरेंट गोल एंड पर्पसेस है. नेक्स्ट,
बहुत सारे पर्सन हैं विलिंग टू कम्युनिकेट थ्रू फॉर्मल चैनल्स ओनली, जो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू ही बात करना चाहते हैं. नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव इज अनविलिंग टू हैंडल द इकोनॉमी ऑफ इंसेंटिव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एग्जीक्यूटिव जो है हमारा, जो शासन विभाग है, वो अनविलिंग, वो उनका इच्छा नहीं है कि हैंडल करना जो इकोनॉमी ऑफ द इंसेंटिव विद ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है उसके लिए. सो इसके लिए तो नहीं. सो करेक्ट जो आंसर है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्टेंस में आया, बिकॉज देयर आर पर्सन्स हु आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसके एक्शंस को. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज, उन्होंने किस किस पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया है. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को, उदार आंदोलन पार्टी को, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को, या डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को. सो करेक्ट जो आंसर है वो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी. लेकिन भूदान आंदोलन में वो थे, लेकिन भूदान आंदोलन के तरफ से कोई पार्टी नहीं फॉर्म हुआ था. सो इसीलिए ये नाम हम भूल कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं. सो करेक्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी. ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. Who among the following was or is the first chairman of NITI Aayog? NITI Aayog के first chairman कौन है? अमिताभ कांत, अरविंद पनगरिया, या नरेंद्र मोदी, या मनमोहन सिंह. सो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन का नहीं, नीति आयोग जो 2015 में आया था, उसका फर्स्ट चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सो फर्स्ट चेयरमैन जो होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं वो नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और ऑब्वियसली नीति आयोग 2015 में बना है, तो तब प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रीडम मेंशन इन आर्टिकल 19 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर. जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के अकॉर्डिंग 19 में जो फ्रीडम के कॉन्सेप्ट है उसको सजाना होगा. फर्स्ट है फ्रॉम एसोसिएशन और यूनियन. एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं आप, प्रैक्टिस कर सकते हैं एनी प्रोफेशन को, काम कर सकते हैं फ्रीली, इंडिया के टेरिटरी में घूम भी सकते हैं. नेक्स्ट है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, लेकिन नहीं लेकर आप घूम सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं. सो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा, सबसे पहले आप जो कर सकते हैं वो है, मतलब कहीं भी आप बिना आर्म के घूम सकते हैं, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आप किसी भी मतलब किसी भी जगह आप घूम सकते हैं. नेक्स्ट, उसके बाद आप किसी भी काम कर सकते हैं. सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ए सी बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ गवर्नेंस, के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है. कॉम्पिटेटिव डेमोक्रेसीज, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, चेंज ओरिएंटेड डेमोक्रेसी. सो जो कॉन्सेप्ट है नोशन ऑफ गवर्नेंस का वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कॉम्पिटेटिव डेमोक्रेसी के साथ, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के साथ, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, या चेंज ओरिएंटेड डेमोक्रेसी के साथ. इसका जो करेक्ट आंसर है, कॉम्पिटिशन होता है डेमोक्रेसी में और पार्टिसिपेशन होता है. सो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो आज मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं और 10 क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ. तब के लिए थैंक यू. Keep on watching and keep on learning.